आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। और मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्टर है और ये एक एमसीबी है। तो दोस्तों मैं कॉन्ट्रैक्टर आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों आपके इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मोटरें जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर से चलती है। तो आखिर ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे वर्क करता है? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर एक तरह की एमसीबी है। जैसे एमसीबी है ना, इस एमसीबी को ऑन करते हैं। आपको एमसीबी का फंक्शन पता है? अगर नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सप्लाई दूंगा और जैसे मैं इस एमसीबी को, जैसे ये अभी बंद है और जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरी सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। पर मैं क्या करता हूँ, इसको हाथ से ऑन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे हाथों से मैनुअल जाके इसको ऑन करता हूँ। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टर इसी का आविष्कार है, ये ऑटोमेटिक करने के लिए। यानी आप इसको ऐसे मैनुअल जाके हाथों से बटन ना दबाए, ये ऑटोमेटिक के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगाया गया। और कॉन्ट्रैक्टर के साथ में दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के यूज करके हम बहुत सारे स्टार्टर भी बनाते हैं। जैसे हमारे स्टार्टर आपने सुना होगा, जो मोटर स्टार्टर होते हैं। मोटर स्टार्टर का मतलब मोटर को स्टार्ट करने के लिए। इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, DOL होता है, स्टार डेल्टा होता है, रिवर्स फॉरवर्ड होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के स्टार्टर होते हैं। उन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर आपको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर आखिर वर्क कैसे करता है? इसके अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा, एक NO होता है और एक NC होता है, ठीक है। उसी तरह वर्क करता है। ये NO और NC का ही पूरा खेल है। और ये MCB जो होती है ना, इस MCB में भी NO कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये और ये NO कॉन्ट्रैक्ट है। और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये NC कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस सब चीज़ को मैं आपको अभी डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि MCB को तो मैं हाथ से ऑन कर देता हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ऑन करूँगा? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए, जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैं इसको सप्लाई देता हूँ और ये ऑन होता है, तो ये ऐसे इसका यहाँ से स्प्रिंग डाउन हो जाती है। अंदर एक कॉइल लगी होती है, उस कॉइल में मैग्नेट बनता है और ये स्प्रिंग यहाँ से डाउन हो जाती है। और डाउन होने की कंडीशन में आप ये समझ सकते हो, जैसे हमारी MCB ऑन होती है तो हमारा क्या होगा, इधर की सप्लाई इधर जाने लग जाएगी। तो उसी तरह जब ये डाउन होगा तो इधर की सप्लाई इधर जाने लग जाएगी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर यूज करते हैं तो उसके अंदर हमको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि ये कॉन्ट्रैक्टर कितने वोल्टेज पे चलेगा। तो दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, जैसे आपको पता है, जैसे मैं एक सेकंड आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं दो पॉइंट बना रहा हूँ, है ना, ये दो पॉइंट, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे MCB और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं K लिख देता हूँ, K मतलब कॉन्ट्रैक्टर। MCB के अंदर मैं इधर RYB दे रहा हूँ, ठीक है, RYB थ्री फेज दे रहा हूँ, RYB नीचे दे रहा हूँ। अब मैं MCB को ऑन करूँगा, मतलब उसका लीवर ऊपर करूँगा, तो मेरी RYB इधर मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या करूँगा मैं, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे गोलाकार है जैसे इसमें दिख रहा है, इसको मैं जैसे दबाऊँगा तो मैंने जो यहाँ पे RYB इसमें भी दे रखा है RYB, तो जैसे मैं इसको दबाऊँगा तो मेरा RYB ऊपर चले जाएगा। पर दोस्तों मैं इसको बार बार आगे यूँ तो नहीं दबाऊँगा ना, तो इसके लिए इस कॉन्ट्रैक्टर में एक सप्लाई कॉइल होती है। अब जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको 220 वोल्ट और 240 वोल्टेज, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों, आप कहीं पे भी देखिएगा कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर उसके अंदर दो पॉइंट अलग से होंगे। जैसे ये पॉइंट तो है ऊपर, इसके अलावा साइड में और पॉइंट होगा, एक A1 लिखा होगा और एक A2 लिखा होगा। अभी जैसे इसके अंदर भी मैं आपको क्लियर करूँ, तो जैसे ये पॉइंट जो है ये इसमें A1 पॉइंट है, ठीक है, और इसके अंदर इधर जो लिखा हुआ है ये A2 पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये देखिए ये A2 लिखा हुआ है और इधर भी इसमें A1 लिखा हुआ है और इसमें ये A1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है, ये A1 A2 लिखा हुआ होता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि A1 A2 के यहाँ पे लिखा हुआ है 220-240 वोल्टेज। अब जैसे कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है जो 440 वोल्टेज पे चलता है, यानी इसकी कॉइल वोल्टेज है वो 440। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके अंदर 440 वोल्टेज देते हैं पर इसके अंदर 220 वोल्टेज लिखा हुआ है। तो इस A1 A2 के अंदर, A2 के अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे 220 वोल्टेज। आप समझते हैं 220 वोल्टेज हमारे घरों में आते हैं, एक फेस होता है 220 में और एक न्यूट्रल होता है। तो एक न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे और एक फेस इस जगह दे देंगे। और जैसे ही हम इसमें फेस देते हैं, जैसे हम इसमें फेस देते हैं, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो मैं इसको मैनुअली दबा रहा था वो मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और डाउन होने की कंडीशन में यहाँ पे जो सप्लाई मैंने दे रखी है वो यहाँ पे आउटपुट मिलने लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ इस प्रकार से फंक्शन होता है। अब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों दो पॉइंट होते हैं। जैसे MCB के अंदर तो ओनली क्या होता है, हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं और जैसे इसको ऑन करते हैं तो तीनों सप्लाई यहाँ पे मिल जाती है। पर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर दो चीज़ें होती है, एक NO कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक NC कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन दोनों का अलग अलग खेल है। तो दोस्तों NO कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, MCB के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, MCB में क्या करते हैं, हम जैसे ऑन करते हैं यहाँ की सप्लाई यहाँ मिल रही है, इसी तरह वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, यहाँ की सप्लाई ऑन करने पर इधर मिल रही है, वो होता है NO कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कॉन्ट्रैक्टर पर लिखा होता है, जैसे इस कॉन्ट्रैक्टर पर भी आपको दिख रहा होगा, ये कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्टर है। इसके ऊपर मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कंट्रोल क्या होता है, पावर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कैसे पता करें, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे यहाँ पे लिख रहा हुआ दिख रहा है आपको, एक NO फिर NC लिखा हुआ है, यहाँ पे NO फिर NC फिर NC फिर NO। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे NO, फिर लिखा हुआ NC, फिर वापस लिखा हुआ NC, फिर लिखा हुआ NO। और दोस्तों जो यहाँ पे लिखा होता है ना, इसी के सामने ऊपर सेम की सेम चीज़ लिखी होती है। तो मतलब ये वाला और ये वाला, यानी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट NO है, फिर आगे वाले दोनों NC है, फिर आगे वाले दोनों NC है, फिर उसके आगे वाले दोनों NO है। अब आखिर ये है क्या, ये भी चीज़ क्लियर करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना,
इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले एनओ, फिर बाद में हो गए हमारे एनसी, फिर बाद में हो गए हमारे एनसी, फिर हो गया हमारा बाद में एनओ, ठीक है। ये ऐसे चार टाइप के कॉन्टैक्ट है। तो एनसी कॉन्टैक्ट, एनओ कॉन्टैक्ट किस तरीके से होता है वो मैं अभी आपको बना देता हूँ। दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज़ है कॉन्टैक्टर, और कॉन्टैक्टर समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों देखो, ये चार टाइप के ये पॉइंट है, यानी आठ टर्मिनल, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और दो टर्मिनल अलग है, एक A1 और एक A2। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए मैं इसको एक सप्लाई दूंगा, तो मैंने इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी। सप्लाई देने से पहले आपको ये देखना है कि कितने वोल्टेज का कॉन्टैक्टर है। अभी जैसे A1 A2 पे आपने देखा था 220 वोल्टेज 240 वोल्टेज लिखा हुआ है, तो मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया और एक फेज मैंने यहाँ पे दिया। तो जैसे मैं इसके अंदर फेज दूंगा ना, तो दोस्तों जो एनो कॉन्टैक्ट होंगे ना, एनो कॉन्टैक्ट का मतलब अभी देखिए, नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, और ओ का मतलब ओपन, ठीक है। एनओ मतलब नॉर्मल ओपन, यानी नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहेगा। एनसी का मतलब नॉर्मल क्लोज, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ही क्लोज रहेगा। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यानी जैसे मैं इसको फेज दूंगा, तो यानी ये जो कॉन्टैक्ट अभी ओपन दिख रहा है ना आपको, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ सप्लाई दे रही थी, वो यहाँ पहुँच नहीं पा रही। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये सप्लाई यहाँ से इधर जाने लग जाएगी, यानी यहाँ की सप्लाई इधर पहुँचने लग जाएगी। ये जो कॉन्टैक्ट है ये इधर चिपक जाएगा, जो स्प्रिंग होती है अंदर वो इसको इधर खींच लेगी। तो इसको इधर खींचने के बाद ये इधर शॉर्ट हो जाएगा और मेरी सप्लाई यहाँ की इधर मिलने लग जाएगी, ठीक है। नॉर्मल ओपन हमेशा क्लोज हो जाएगा। अब ये नॉर्मल क्लोज है, तो मैंने आपको बताया कि ये इधर खींचेगा और ये भी इधर ही खींचेगा, तो ये इधर खींच के इधर आ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे सप्लाई दे रखी है वो यहाँ जाना रुक जाएगी। वापस से नॉर्मल क्लोज, तो नॉर्मल क्लोज अभी यहाँ पे भिड़ा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा और मेरी स्प्रिंग इधर से इसको खींच लेगी, और खींचने की कंडीशन में मैंने यहाँ पे जो सप्लाई दे रखी है वो इधर जाना, इधर भी रुक जाएगी। और एनओ आ गया, तो एनओ के अंदर वापस से वही बात, इधर मैंने फेस दे रखा है, और जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो मेरी ये स्प्रिंग इसको इधर खींच लेगी, तो एनओ आपस में क्लोज हो जाएगा और मेरी सप्लाई इधर मिल जाएगी। तो दोस्तों नॉर्मल ओपन आप इसको इतना समझ सकते हैं, जो एमसीबी होती है एमसीबी के अंदर सारे ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं, नॉर्मली ओपन। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये क्लोज हो जाते हैं और मेरी सप्लाई इधर मिलने लग जाती है। तो कॉन्टैक्टर के अंदर एक अलग टाइप का और कॉन्टैक्ट होता है, वो होता है नॉर्मली क्लोज। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। इसके ऊपर एक डिटेल और भी प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वह वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो अगर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा और आपको पावर और कंट्रोल कॉन्टैक्टर के ऊपर भी कुछ डीपली बताऊंगा। तो दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। कुछ भी सवाल आपका इस वीडियो के प्रति भी रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।